जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स। हम आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत हैं। चलिए। क्या हुआ मुनिवर? किंतु एक समस्या है। ये दिव्य औषधियां शुद्ध होकर ही प्राप्त हो सकती हैं। अशुद्ध होने पर ये अदृश्य हो जाती हैं। और वत्स, आप तो इतनी लंबी यात्रा करके आए हो। फिर? एक उपाय है, यदि स्वीकार हो तो बताऊं? बताइए मुनिवर। यहां नीचे एक सरोवर है, यदि आप उस सरोवर में स्नान करके आएंगे तो ये दिव्य औषधियां स्वयं को आपके सम्मुख प्रकट कर देंगी। जो आज्ञा मुनिवर। रुको, स्नान करते समय अपने नेत्र बंद रखिएगा। वो क्यों मुनिवर? इसके पीछे एक लंबी कथा है। यदि आपके पास समय है तो सुनाता हूं। नहीं नहीं मुनिवर, मैं नेत्र नहीं खोलूंगा। आज्ञा दीजिए। प्रभु, हनुमान जैसे बुद्धिशाली कालनेमी के छल में कैसे आ गए? जब भी कोई कपटी साधु का वेश धारण कर लेता है तो सरल हृदय लोग कुछ देर के लिए उसके छल से बाधित हो ही जाते हैं। परंतु जैसे ही कपटी का आचार उजागर होता है, छल कपट की सारी माया विलुप्त हो जाती है और सत्य सत्य सामने आ जाता है, जैसा हनुमान के साथ हुआ।
आपका कल्याण हो कपीवर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। आप कौन हैं देवी? मेरा नाम धन्यमाली है, मैं स्वर्ग की अप्सरा थी, किंतु प्रजापति दक्ष के शापवश मकर योनि को प्राप्त हो गई और युगों से इस सरोवर में वास कर आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी, और आज आपके शुभ हाथों से मेरी मुक्ति हो गई। ये सब मेरे प्रभु श्री राम का प्रताप है, इसमें मेरा किंचित भी श्रेय नहीं। पवन पुत्र, आप उस तपस्वी से सावधान रहिएगा जिसने आपको यहाँ स्नान करने के लिए भेजा था। क्यों? क्योंकि वह तपस्वी नहीं, रावण का भेजा हुआ एक पाखंडी राक्षस है, जो आपका वध करने के लिए मुनि का वेश बनाकर कपटपूर्वक यहाँ बैठ गया। एक बात और कपीवर, आप उसके कमंडल के जल से सावधान रहिएगा, उसमें अति भयंकर कालकूट विष भरा हुआ है। हो रही है अभी। चलिए, औषधियों के लिए जाने से पूर्व आपको एक मंत्र देते हैं। ये मंत्र बहुत ही चमत्कारी है। अब आप मंत्र देंगे गुरुदेव? अति उत्तम, तब तो मेरा भी गुरु दक्षिणा देने का दायित्व हो जाएगा। किंतु वत्स, गुरु दक्षिणा का विधान तो दीक्षा पूर्ण होने के पश्चात का होता है। किंतु विशेष आपके लिए मैं गुरु मंत्र से पूर्व ही गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं गुरुदेव। भागते कहाँ हैं गुरुदेव, अमृत कलश से अमृत पान तो करते जाइए। बोल, कौन है तू, क्या नाम है तेरा? काल। और मैं तेरा काल हूं कालनेमी।
जिन चार दिव्य औषधियों से हम सबकी जीवन रक्षा होने वाली थी, वो सब दिव्य औषधियां किसी प्राणी के पास आते ही अदृश्य हो जाती थी। बजरंग बली हनुमान के पास जाते ही वो अदृश्य होने लगी। हनुमान विचित्र पहेली में फंस गए थे। रात्रि बीतने में मात्र आधा प्रहर शेष था। बुद्धिमानों में अग्रगण्य हनुमान को कोई उपाय न सूझता था। हे औषधियों, कृपा करके मेरे समक्ष प्रकट हो जाइए। श्री राम के कार्य के लिए आपकी आवश्यकता है। तो क्या औषधियों ने अपने को प्रकट कर दिया? तो फिर हनुमान ने क्या किया? उन्होंने जो लीला की वो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होकर उनकी पहचान बन गई। जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान जिस विनम्रता से यहाँ उपस्थित हुए थे, उसे देखकर कौन ये मानेगा कि वो आपके प्राण रक्षक बने? केसरी नंदन हनुमान का यही विनीत भाव उन्हें महानता के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित किए हुए है। इसलिए तो प्रिय हनुमान की हर कथा में उनके अतुलित बल, बुद्धि, तेज, प्रताप का वर्णन मिलता है। हाँ, मैंने भी प्रभु भक्त हनुमान के कई प्रसंग सुने हैं, किंतु आपके श्रीमुख से हनुमान कथा सुनने का आनंद तो अमृत तुल्य है। हाँ प्रभु, सुनाइए ना। आप सब संकट मोचन महाबली हनुमान की अद्भुत जीवन लीला सुनने के लिए कितनी उत्सुक हैं? ये देखकर मुझे बड़ा ही सुख मिल रहा है। और अब मैं आपको सुनाऊंगा मेरे प्रिय हनुमान के जन्म और बाल्यकाल से लेकर आज तक की सुनी अनसुनी सारी कथा।